डबल बैरिंग, एक शाफ्ट में चार बैरिंग है, दो इस साइड में दो दूसरी साइड। करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पता तो उसको रुक रुक के चलाना पड़ता है, उससे टाइम खराब होता है। अच्छा, उसको पता चल जाए किसी पत्थर आ चुका है, मशीन को रोक दे, पत्थर निकाल दे, ताकि उसका आगे जाके कोई नुकसान। कितना मोटा है आप चेक, खुद चेक कर सकते हो, और दूसरी किसी भी कंपनी की मशीन का आप चेक कर सकते हो। इंडिया से आप इसका कोई भी स्पेयर कहीं से भी जैसे मर्जी ले सकते हो, तो इसकी स्पीड और उसे ज्यादा ही काम करती है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको डायमंड कंपनी का स्टोर रीपर दिखा रहा हूँ। भाइयों, स्टोर रीपर तो आपने बहुत देखे हैं, लेकिन ये जो रीपर है ये बहुत कुछ इसमें दूसरे रीपर से अलग होने वाला है। हमारे साथ कंपनी से भैया जुड़े हुए हैं जो आपको इस रीपर के बारे में फुल जानकारी देंगे। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विशाल गर्ग। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो भैया हमारे किसान भाइयों को बताओ, जैसे हमने बोला कि किसान भाइयों ने रीपर तो बहुत देखे, लेकिन आपका जो रीपर है इसमें दूसरों से खास क्या है भैया? सर इसमें खास ये है कि एक तो इसका जो वजन है, अच्छा वो है 25.5 क्विंटल। 25.5 क्विंटल वजन, 25 क्विंटल आप मार्केट में कहीं से भी उठा लीजिए, अच्छा उनका वजन किसी का भी इतना नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये इसका साइज है जो 57 इंची, और कटर है 7.5 फीट का। अच्छा, हम इसे नाप के दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कोई भी कस्टमर आप उठा के इंची टेप लगा के नाप सकते हो, ये सही 7.5 फीट का है 15 फिंगर में। अच्छा, तो हमें पहले इसकी थोड़ी बॉडी के बारे में बताओ। इसकी जो बॉडी है काफी हैवी लग रही है, तो कौन सा इसमें आप भैया लोहा लगाते हो? सर इसमें जो टाटा स्टील लगता है। अच्छा, इसकी 5 mm सही में है। अच्छा, लोग कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि इसमें 5 mm बोल के वो अंडर साइज की चद्दर लगा देते हैं, मतलब किसानों के साथ धोखाधड़ी करती है। कोई धोखाधड़ी नहीं है, वो कैसे जैसे मर्जी जैसे भी वो नाप तोल सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा भैया आप बात करते हैं, जैसे रीपर में मेन काम होता है बैरिंग का जी, बैरिंग आप कौन सी कंपनी के लगाते हो भैया? सर इसमें बैरिंग लगा रहे हैं हम टीआर के। टीआर के बैरिंग, सबसे मेन बात क्या है कि जो इसमें हम बैरिंग लगा रहे हैं अच्छा, वो और कोई भी कंपनी नहीं लगा रही। अच्छा, इसमें हमारा बैरिंग लगाने का सिस्टम ही दूसरा है। अच्छा, आप यहाँ पे आके देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये बैरिंग डबल बैरिंग, एक शाफ्ट में चार बैरिंग है, दो इस साइड में दो दूसरी साइड में, टोटल चार बैरिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। इनको आपको पूरा सीजन ग्रीस नहीं करना, ना ही इसको आपने चेक करना है। अच्छा, आपने सुबह रिपर उठाया, अपनी सफाई की, इसको कोई ग्रीस नहीं करना पूरे सीजन में, मतलब आप जैसे ही चलाइए। बिल्कुल। ये आपके बैरिंग कम से कम 5 से 6 साल टूटेंगे नहीं। अच्छा, नहीं हमने तो ये देखा जो रिपर वाले होते हैं सुबह से पहले रिपर के ग्रीस वगैरह करते हैं, ये इसको करते हैं, ग्रीसिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चाहे आपका ये गैडर है, चाहे आपका थ्रेशर है, चाहे आपके पीछे का पंखा है, किसी भी इन बैरिंगों में इधर और उधर कोई ग्रीसिंग नहीं करनी। अच्छा, और आपके कम से कम 5 साल बैरिंग कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल, आराम से। अच्छा जी, इसे भैया क्या बोलते हैं इसको? मतलब फ्रंट ब्लोअर। अच्छा, फ्रंट ब्लोअर। होता है क्या है कि जैसे जैसे कस्टमर जब ट्रैक्टर चला रहा होता है ऑपरेटर, हाँ जी, तो उसमें धूल काफी ज्यादा पड़ती है, तो कपड़ा बांध के रखना पड़ता है, तो उसको रुक रुक के चलाना पड़ता है, उससे टाइम खराब होता है। अच्छा, तो इससे क्या है कि इसके बिल्कुल भी कपड़ा बांधने की जरूरत नहीं है फेस पर। अच्छा, आराम से ऑपरेटर चला सकता है, बिल्कुल भी धूल उस पर पड़ेगी नहीं। देखिए लगाती और कंपनियां भी हैं, ये हमारे लगाने का ढंग ऐसा है कि कपड़ा लपेटने की जरूरत नहीं है, ये हमारा 100% कामयाब है, जो 90% तक हमारी मिट्टी को रोकता है। मतलब किसान का समय बचेगा, किसान का समय भी बचेगा, किसान नाक में डस्ट भी नहीं जाएगी, उसको कपड़ा बांधने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हेल्थ के हिसाब से भी ठीक रहेगा, मतलब सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा। बिल्कुल है। अच्छा, बाकी ये आपने यहाँ पे हॉर्न लगाया है ना जी? अच्छा, ये है रोडा ट्रे के लिए। अच्छा, जैसे कोई पत्थर वगैरह इसमें आता है, ये नीचे गिरती है ट्रे, ये हॉर्न बजने लग जाएगा। अच्छा, ये आप देख सकते हो ये सेंसर लगा हुआ है। अच्छा, जैसे ये रोडा ट्रे नीचे जाएगी, अच्छा ठीक है, नीचे जाएगी ये हॉर्न बजने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि किसान को पता चल जाए किसी पत्थर आ चुका है, मशीन को रोक दे, पत्थर निकाल दे, ताकि उसका आगे जाके कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, ये 57 इंची का रीपर है जी, आपने इसके बैरिंग के बारे में बताया, इसमें टीआर के बैरिंग आते हैं और डबल बैरिंग इधर है, डबल बैरिंग इधर है, डबल आपका एक शाफ्ट में चार बैरिंग है। अच्छा, एक शाफ्ट में चार बैरिंग लगे हुए हैं। बाकी आपका जो तरीका भी मुझे बहुत यूनिक लगा। ये रिपर आप देख सकते हैं मार्केट में, कितने रिपर ऐसा रिपर आपको कहीं भी देखने को मिलेगा नहीं। अच्छा, और ये हम पिछले 3 साल से बना रहे हैं। अच्छा, और इसकी इतनी वीडियो हम हर साल बना रहे हैं। बिल्कुल। पर इस साल हम वीडियो में ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है पिछले 2 साल से इतनी अच्छी है कि हमारी डिमांड भी अच्छी निकली है। अच्छा, और इसमें हमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत भी आई भी नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और थोड़ा बहुत हम टेक्निकल चेंज है जो हर साल हम करते रहते हैं। बिल्कुल, जो टेक्निकल चेंज है। अच्छा जी, बाकी इसमें जो आपने बेल्ट वगैरह लगाई है ये कौन सी कंपनी की भैया आपने लगाई? इसमें हम लगाते हैं अच्छी कंपनी के ब्रांडेड लगाते हैं। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। अच्छा, मतलब कस्टमर की खराब होती है। अच्छा, आपने इसमें जो स्पेयर पार्ट लगाए हैं, हमारे जो किसान भाई है कोई एमपी से देख रहा है, कोई गुजरात से देख रहा है, कोई महाराष्ट्र से देख रहा है, मतलब भारत के अलग अलग राज्यों से देख रहा है, तो हर राज्य में इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल हैं पूरे इंडिया में।
अच्छा, पूरे इंडिया से आप इसका कोई भी स्पेयर पार्ट कहीं से भी जैसे मर्जी ले सकते हो। अच्छा तो भैया आपने इसमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा है। बिल्कुल सर, हर चीज में सेफ्टी है। अच्छा, किसी कस्टमर को कहीं पे कोई एक्सीडेंट वाली कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, जहाँ जहाँ एक्सीडेंट का कोई सीन था वहाँ पे हमने कवर किया हुआ है। बिल्कुल, मेन सेफ्टी इसमें ये भी की हुई है। अच्छा, हमने आग बुझाने वाला सिलेंडर दिया हुआ है, फ्री है ये, बिल्कुल साथ में है। अच्छा, बाई चांस भगवान ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो तो मौके पे ये काम करते हैं। अच्छा भैया, हमने काफी रिपेयर में ये देखा, ये वाली जो रॉड होती है ये टूट जाती है, तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप। सर देखिए, हमारे ये हमारा तीसरा साल। अच्छा, इस मॉडल में बनाने के लिए। अच्छा, तो आज तक तो ये किसी का ब्रेक हुआ नहीं 2 साल में। अच्छा, ना हमें किसी कस्टमर की कॉल आई और ना हमारे सर्विस के दौरान हमने किसी की चेंज की, क्योंकि ये जो हमारी चीज है। हाँ जी, हम एक्यूरेसी है। अच्छा, हम बिल्कुल यहाँ पे इसको फिटिंग करके फिर बनाते हैं, हम ऐसा नहीं है कि इसको बाहर निकाल के बनाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसका कारण ये है। अच्छा, बाकी ये क्या चीज है सर? ये स्ट्रिप। अच्छा, ये एक्स्ट्रा स्ट्रिप आगे देने के लिए, फ्री ये साथ में एक्स्ट्रा होती है, बिल्कुल फ्री। अच्छा, ये मशीन के साथ होगी, पीटीओ शाफ्ट साथ में होगी। अच्छा, ग्रीस हम साथ में देंगे। अच्छा, स्ट्रिप साथ में होगी, ये आग बुझाने वाला साथ में होगा, ये सब कुछ साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूँ, जो किसान भाइयों को दिक्कत होती है, पुली वगैरह कैसे किसान भाई सेट करेंगे भैया? सर उसमें हमारे सर्विस की तरह सेट करते हैं। अच्छा, जैसे आप किसी हमारे नजदीकी डीलर से ले रहे हैं। अच्छा, तो हमने उसको पहली बात अगर तो हमें ट्रैक्टर पहले से बता देंगे तो हम यहाँ से पुली डाल के भेज देते हैं। अच्छा, अगर फिर भी फील्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो पुली के लिए हमारी सर्विस टीम वहाँ पे जाके चेंज करके आती है फील्ड पर। अच्छा, सर्विस टीम भी आती है? सर्विस टीम भी हमारी हर डीलर के पास होती है। अच्छा, सीजन के समय में? सीजन के समय। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बाकी इसमें जो टायर है, गुड़िया के टायर मिलते हैं भैया? सर इसमें गुड़ियर, ब्राजा, अच्छा जैसे जो जेके जो हमें मौके पे मिले, कोई देसी टायर हम इसमें यूज नहीं करते, क्योंकि इसका वजन का काम है, इधर उधर जाना होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बाकी भैया इसका जो थ्रेसर है, बिल्कुल, ये कितने इंची का होने वाला है? सर इसका थ्रेशर है 23 इंच। अच्छा, ये सबसे बड़ा थ्रेशर है। अच्छा, इसको हम आपको खोल के दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं इसमें डबल डबल ब्लेड लगे हुए हैं। अच्छा, ताकि इसमें जब किसान भाई जब भी चेंज करें ब्लेड को तो उसके हाथ ना कटे। अच्छा, तो ये इसकी एक तो कटाई ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज इसमें इसके साफ सफाई के लिए थ्रेशर मशीन टायरों में हवा भरने के लिए हमने ये कंप्रेसर भी लगाया हुआ है। अच्छा, ये कस्टमर ने उस टाइम चलाना है जिस टाइम उसने हवा का यूज करना है। अच्छा, चलाते हुए इसने बेल्ट उतार के रख लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज और कस्टमर इस चीज का ध्यान रखे, इसको मिट्टी में नहीं, मतलब इसमें कपड़ा बांध के रखे फिल्टर में। अच्छा, जब जरूरत है उसको तभी चलाए, और क्योंकि इसकी कंप्रेसर की मार्केट में कोई गारंटी नहीं आती। अच्छा जी, ना ही कंपनी की तरफ से ना ही मार्केट में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा सा कस्टमर को इसके ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये 57 इंची का रीपर है आपका, इसके लिए कम से कम भैया कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिए? सर इसमें चलेंगे आराम से, अगर आपको आसानी से चलाना है। हाँ जी, तो उसके लिए चाहिए आपको 50 एचपी। अच्छा, अगर किसी किसान भाई के पास 45 एचपी ट्रैक्टर है तो उसमें भी चलेगा। बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप किसान को। अच्छा, पर हम किसान को बोलते हैं कि वो 50 एचपी ही चलाएं। अच्छा, एक बात भैया हमें और बताओ, जैसे मान लो सीजन बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, तो इस रीपर से हमारे किसान भाई एक सीजन में कितनी ट्रॉली बना सकते हैं कम से कम? सर ये काम किसान के काम पे डिपेंड है। अच्छा, जैसे हम 2 साल का अपना एक्सपीरियंस बताएं। हाँ जी, हमारी मशीन के साथ बहुत सी कंपनियों ने कंपटीशन किया, किसान भाइयों ने कंपनियों। अच्छा, से लेके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करें एमपी की। हाँ जी, स्पेशली तो एमपी में जहाँ पे किसान भाई भर रहा था 45 से 50 मिनट में ट्रॉली, हमारी मशीन भर रही थी 35 से 40 मिनट में, उसी खेत में उसी ट्रैक्टर से। अच्छा, उसी ट्रॉली में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अगर हम यूपी की बात करें, वहाँ भी ऐसा है, जिस एरिया में 40 मिनट ले रही है वहाँ पे ये 30 से 32 मिनट ले रही है, हमारी वाली 10 मिनट कम ले रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ पे किसी कंपनी को मशीन 25 मिनट ले रही है तो हमारी वाली 20 मिनट में भर रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसकी स्पीड और उसे ज्यादा ही काम करती है। अच्छा, आप चला के देखिए, जिन किसान जो किसान भाई चला रहे हैं आप उनसे भी पता कर सकते हैं कि हमारी ट्राली पूरे दिन में किसान ज्यादा ही कमाएगा, ज्यादा ही भरेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, ये पीछे लाइट भी दी हुई है भैया? सर ये, हाँ जी बिल्कुल, रात को चलाने के लिए। अच्छा, पार्किंग लाइट। ये टूल बॉक्स हो गया आपका? टूल बॉक्स। अच्छा जी, डबल डबल टूल बॉक्स है भैया? सर डबल। अच्छा, ये जो कैंपर वगैरह रखने के लिए साथ में। अच्छा अच्छा, बाकी पीछे की साइड से मैं खोलना चाहता हूँ तो भैया खुल जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल, खोल के दिखाते हैं भैया, थोड़ा इसके बारे में बताओ जरा। सर ये पखा, आप किसी भी कंपनी की मशीन उठाइए, उसमें एक चीज आप नोट करना। हाँ जी, कि ये जो लपेट लगा हुआ है इसको हम इसको लपेट बोलते हैं। हाँ जी, लोगों के बहुत पतले लगे हुए हैं। अच्छा, ये हमारा कितना मोटा है आप खुद चेक कर सकते हो, और दूसरी किसी भी कंपनी की मशीन का आप चेक कर सकते हो। अच्छा, तो अगर किसी कंपनी का 2-4 साल चलेगा तो ये हमारा डबल चलेगा उस कंपनी से। बिल्कुल, किसानों बिल्कुल। को क्या प्रॉब्लम आती है, ये पानी की वजह से बाहर खड़े होने की वजह से गल जाती है, चलता लोगों को चेंज करवानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की 2 साल, किसी की 3-4 साल चलती है। अच्छा, हमारी और उसे डबल चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप खुद चेक कर सकते हो।
और आप बहुत कंपनियों का भी देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये जो अपनी मशीन है क्या ये सब्सिडी में पास है भैया? सर ये हमारी पंजाब हरियाणा एमपी यूपी चारों स्टेटों में सब्सिडी अप्रूव्ड है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी निकालती है, किसी किसान भाई की सब्सिडी निकलती है तो हमारी स्टोर रिपर पे उसको सब्सिडी भूसा मशीन पे जरूर मिलेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये थोड़ा इसके फिंगर के बारे में बताएंगे जरा? सर इसकी फिंगर के ये हमारी खुद की डायमंड के नाम से फिंगर बनवाई हुई है। अच्छा। और ये किसान के चाहे यूपी का किसान हो, चाहे एमपी का किसान हो, चाहे पंजाब हरियाणा कहीं का भी किसान हो, अच्छा, उसकी ये कम से कम दो सीजन आराम से फिंगर चलेगी। गारंटी है? इस चीज की हमारी वारंटी है पूरी। अच्छा, वारंटी है। आप हम उसको पीस रिप्लेसमेंट करके देंगे अगर इसकी घिस गई फिंगर। अच्छा। टूटने की देखिए कोई नहीं, घिसने की हमारी पूरी वारंटी है। तो लास्ट में भैया मैं आपसे, जो हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं पाल ट्रैक्टर के, जो दर्शक भाई आपको देख रहे हैं, तो उनसे अपने डायमंड रीपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे भैया? किसान भाइयों को मैं यही बोलूंगा, एक बार वो आए अपने डीलर के पास, आए हमारे पास, आए वो रीपर को लें, उनको पता चलेगा कि उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट से उठाया है। बिल्कुल। और हमारे दो साल से जो कस्टमर ले रहे हैं, आगे वो भी हमें आगे कस्टमर दे रहे हैं, या उनको चलता हुआ देके हमारे पास उनको देके कस्टमर आ रहा है। अच्छा। और ये इसी वजह से आ रहा है अगर चीज मार्केट में अच्छी चली है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके लिए आप हमारे डीलरों से या मार्केट में कहीं से भी सर्वे करवा सकते हो, किसान भाई किसी भी कस्टमर से पूछ सकते हैं जो चला रहे हैं। बिल्कुल। कि उनकी परफॉर्मेंस पिछले दो साल से क्या है। अच्छा, तो किसान भाइयों आज की वीडियो में मैंने आपको डायमंड कंपनी का स्टोर रिपर दिखाया। इसकी जो कीमत है भाइयों, कीमत इसके जो फीचर्स है, फीचर्स आपने देखे, फीचर्स इसके सबसे ज्यादा होने वाले हैं, बाकी कीमत है, कीमत इस हिसाब से इसकी बहुत अच्छी होने वाली है। बाइक खरीदने के लिए भैया क्या करना पड़ेगा? सर इसके लिए जो हम आप स्क्रीन पे नंबर देंगे उस पे हमारे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमसे उसके आस पास के डीलर का पूछ सकते हैं। अगर हमारा पास में कोई डीलर नहीं मिल रहा कस्टमर के, तो हम सीधा भी दे सकते हैं, उनको सर्विस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी सर्विस टीम उनके पास टाइम पर बिल्कुल पहुंचेगी। अच्छा जी, तो किसान भाइयों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं आज की वीडियो में मैंने आपको ये डायमंड कंपनी का रीपर दिखाया, इसमें आपको एक सीजन की गारंटी मिलती है ना? सर एक सीजन की पूरी मशीन की वारंटी है। अच्छा। प्रेशर की गारंटी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इसके हमने डबल बैरिंग बताए हैं, हाँ, उसकी दो साल की वारंटी है, एक साल की गारंटी है। अच्छा जी जी। तो किसान भाइयों जो सच्चाई थी वो आपको भैया ने बता दी, बाकी जो मेरे किसान भाई डायमंड कंपनी का रीपर चला रहे हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। आप बताएं आप एक सीजन में आपने कितनी ट्रॉली बनाई है और कितने मिनट में आपने ट्रॉली भरी है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय किसान।